फिलहाल ये जो कि परियोजना पूरे पटना के साथ साथ पूरे बिहार के लिए काफ़ी अहम है। गाय घाट के पास देखेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर का काम काफ़ी तेजी से हो रहा है। अभी भी गांधी सेतु पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। जब ये 4 लेन का बनकर तैयार हो जाएगा तो 8 लेन पर आपकी गाड़ियाँ दौड़ेगी और जो कि जाम की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होने वाला है। नया वाला गांधी सेतु पुल है जो कि पुराना वाला से ऊँचा होने वाला है, तो पिलर का निर्माण कार्य तेजी से चल रही है। हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू चैनल, आपका दोस्त आपके साथ। तो दोस्तों एक बार फिर हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के गाय घाट में। यहाँ आने का मुख्य कारण आपको बता दें, देख सकते हैं पीछे गांधी सेतु समानांतर का कार्य अपडेट देने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। किस तरह से काम यहाँ हो रहा है तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लगातार हम लोग इस प्रोजेक्ट पर आपको कवर करके दिखा रहे हैं, तो बने रहिए, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बाई डिटेल से बात करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी पिलर नंबर 46 के पास और ये देखता होगा आपको नए रूप में नए तैयार किया गया है। यह है गांधी सेतु जो कि पुराना बड़ा ब्रिज, उसी के जस्ट बगल में देखेंगे इधर तो पिलर का निर्माण कार्य तेजी से चल रही है। पानी बढ़ने के कारण उधर पिलर नहीं बना था, लेकिन जहाँ तक आपकी नज़र इधर जाएगी देख सकते हैं पिलर का निर्माण काफ़ी तेजी से हो रहा है। नया वाला गांधी सेतु पुल है जो कि पुराना वाला से ऊँचा होने वाला है। ये कॉरिडोर लगभग 1800 करोड़ की लागत से बन रही है और लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होने वाला है। पहले से तो गांधी सेतु 4 लेन का है, लेकिन आने वाले समय में जब ये 4 लेन का बनकर तैयार हो जाएगा तो 8 लेन पे आपकी गाड़ियां दौड़ेगी और जो कि जाम की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। रात दिन एक कर काम किया जा रहा है और ऐसी गति तेज रहेगी तो आने वाले 1.5 से 2 साल में आपकी जो कि आपकी गाड़ी नए वाली गांधी सेतु पर भी दौड़ेगी। और आपको बता दें दोस्तों, इससे आने वाले समय में लगभग 10 से 12 जिलों के लोगों को काफ़ी राहत पहुँचने वाली। अभी भी गांधी सेतु पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है और ये कॉरिडोर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो पूरी तरह से जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, अब अगर आप गाय घाट के समीप पहुंचते हैं तो गाय घाट के पास भी इसका लॉन्चर बनना स्टार्ट हो गया है। ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर जोड़ा जा रहा है तो धीरे धीरे गंगा की निकट पहुँच रही है इसका। और पिलर देखेंगे तो गंगा का तो कोसों दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी इधर पिलर का निर्माण हो चुका है, लेकिन गाय घाट तक आप देखेंगे तो गाय घाट के पास देखेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर का काम काफ़ी तेजी से हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, काम की गति तेज है और बहुत जल्द बिहार वासियों को एक और नया गांधी सेतु पुल मिलकर तैयार हो जाएगा। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन में वर्तमान में हो रही कठिनाई से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ गांधी सेतु का पूर्वी लेन का नए सिरे से निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है। आपको बताते चले दोस्तों, बिहार ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, साथ ही साथ लोगों को काफी उम्मीद है इस परियोजना। जैसा कि देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी गांधी सेतु के पिलर नंबर 46 के पास और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो पिलर का निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और देखेंगे तो काफ़ी विशाल तरीके से पिलर का निर्माण कार्य तेज है। और इधर आप जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी देख सकते हैं उधर लाइट लगाकर पूरी तरह से काम की गति को तेज रखा गया है। लगातार बड़े बड़े मशीन इस परियोजना पर काम कर रही है। गंगा का स्तर काफ़ी कम हुआ है, एक समय था कि यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ गीला मिट्टी है, यहाँ तक पानी चढ़ गई थी। पीछे दिखता होगा आपको पुराना वाला गांधी सेतु पुल, इस पर अभी गाड़ियाँ दौड़ रही है और इसे जो कि नए रूप देने के बाद यहाँ जाम की समस्या थोड़ी कम हुई है। और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे नए लुक में डिजाइन कर दिया गया है, क्योंकि ये गांधी सेतु यूँ कहें कि पटना का लाइफ लाइन है। जो कि देख सकते हैं इधर आएंगे तो देख सकते हैं इधर नाव लगा हुआ है, नाव से भी इस परियोजना पे काम लिया जा रहा है। दूसरे पिलर के पास मसाला भेजा जा रहा है और इधर आप देखेंगे तो इस तरह छड़ की कटिंग काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। यहाँ से छड़ को काट कर ही नाव के सहारे से पिलर के पास डायरेक्ट भेजा जा रहा है। और इधर देखेंगे मेरे सामने देख सकते हैं छोटा क्रेन लगा हुआ है, एक क्रेन रात दिन एक कर देख सकते हैं यहाँ पे पिलर के ऊपर बड़े बड़े लोहा को जो कि पिलर के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से इस परियोजना पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रही है। और आपको हम गाय घाट से आगे की ओर चलकर दिखाते हैं कि पिलर का निर्माण और सुपर स्ट्रक्चर के कहाँ तक बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल ये जो कि परियोजना पूरे पटना के साथ साथ पूरे बिहार के लिए काफ़ी अहम है। यूँ कहें कि पटना का गांधी सेतु जो कि लाइफ लाइन है, अगर ये बन जाएगा तो पूरी तरह से जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली के अलावा तमाम जिलों में जाने के लिए लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आने वाले समय में पूरी तरह से आप कहें कि जाम मुक्त बिहार हो जाएगा। जाम मुक्त जो कि लगातार काफ़ी बदनाम है गांधी सेतु पुल जाम के लेकर, वो भी जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखेंगे यहाँ तो
यहाँ तक पिलर का निर्माण कार्य तेज है। और आपको देख सकते हैं मट्टी को चारों तरफ से साइड कर इसे रोड में भी काम किया जा रहा है, क्योंकि इधर लगातार गाड़ी आ रही है। और जहाँ तक देखेंगे तो देख सकते हैं उधर बैरिकेड भी लगा दी गई है। और आइए आपको दिखाते हैं, हम सीधे आपको लेके चलते हैं कि कहाँ तक स्ट्रक्चर का काम हुआ है। अब जहाँ तक आप यहाँ देखेंगे तो गाय घाट के पास, जो कि गाय घाट के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे आप गंगा की ओर जाएंगे तो यहाँ तक देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर का काम हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब रखा गया है और पिलर के ऊपर यहाँ पिलर कैप के साथ पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। और यहाँ देखेंगे तो इधर ढलैया के लिए आप देखेंगे तो लगातार छड़ लगा दी गई है। और हम लोग अब धीरे धीरे गाय घाट की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी देखेंगे तो पूरी तरह से इस इलाका में सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। धीरे धीरे सुपर स्ट्रक्चर गंगा की ओर बढ़ रही है और बहुत जल्द, क्योंकि इस पर राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार का भी इस पर लगातार नज़र है।